हैप्पी न्यू ईयर आप सभी के लिए है। आशीषमय साल होगी, मैं आशीष देता हूँ और वचन के और अभी मैं जाने वाला हूँ। एक ही शब्द से मैं वचन बोलूँगा। आज नया साल के लिए आप परमेश्वर से क्या कहना चाहिए, जो मैंने कहा सबसे पहले जी हाँ कहना चाहिए, और दूसरा आपको ये कहना चाहिए प्रभु आप मेरे लिए काफ़ी है। तो नया साल में हम प्रवेश हुए हैं, जी हाँ बोलकर हम प्रवेश हुए हैं। पूरे साल एक गीत गाते रहेंगे, यीशु काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है। हम प्रभु जी को खुश करते रहेंगे, प्रभु जी बोलेंगे बेटा तू मेरे लिए काफ़ी है, तू मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु हमको बोलेगा तू मेरे लिए काफ़ी है। यही परमेश्वर देने वाले हैं। भले गाना लिख के नहीं लिख के, गाना गाना आता है नहीं आता है, मिशनरी टीम में आप गए नहीं भी गए, जाना चाहिए करना चाहिए, लेकिन सबका फाउंडेशन यही है। आप प्रभु से हर दम यही चीज़ कहना चाहिए, तू मेरे लिए काफ़ी है, तुझे कुछ करेगा यही मेरे लिए काफ़ी है। आपको खुश कर दिया था बस हो गया, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे दूसरा किसी का मकान लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, क्या संदेश है, क्या बोलना है, क्या बोलना है। जी हाँ वो हो गया, इसके बाद जी हाँ और फुल स्टॉप, इसके आगे बट परंतु कुछ नहीं। अभी दूसरा संदेश है यीशु, इसलिए वो गाना गवाया था यीशु काफ़ी है। ये जो गाना लिखा है मैंने नहीं लिखा, वो प्रभु के दास ने लिखा था तमिल में, वो प्रभु के पास चला गए हैं। वो गाना आज भी हमारे जीवन में काम करता है, यीशु काफ़ी है, तू खुश हो जाएगा ये मेरे लिए काफ़ी है। और प्रभु को खुश करना आसान है। कभी कभी लोग इतना गुस्सा हो जाए, कंपनी में मैंने देखा था कोई लोग इतना गुस्सा हो जाते ना, उसके बाद कितने भी कोशिश करो उसका गुस्सा कभी ठंडा होगा ही नहीं है, जलता रहेगा। प्रभु का गुस्सा ऐसा लगेगा हाँ करके, प्रभु जी ऐसा करके हम जाते हैं एकदम, ये बेटा ऐसा करके गले लगा देते हैं, अनंत काल के अनुग्रह से मैं तुझे गले लगाऊंगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, महिमा से भर देंगे, एक महिमामय कलिसक लेने के लिए आएंगे। उठकर प्रमाश प्रकाशमान हो जाओ, तेरा महिमा आ गया है, प्रभु तेरे महिमा है, प्रभु ही तेरा महिमा, वही तेरा ज्योति है, वही तुझे काफी है। महिमा चाहिए, प्रभु चाहिए, चंगाई चाहिए, तू काफी है, तू चाहिए, प्रेम चाहिए, ब्रदर मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहे, उसका जवाब क्या है, यीशु काफी है। मैं फेलियर हो गया ब्रदर, पूरा 2019 में मैं कितना गवा दिया, कितना तोड़फाड़ कर दिए, गलत निर्णय लेकर के इधर उधर फंस के सब कचरा कर दिए है, अभी मेरा क्या क्या हिसाब है, मेरा क्या होगी, क्या जवाब है। यीशु के पास आप जाओगे, प्रभु मैं काफ़ी हूँ, सब लाना टूटा फूटा सब मेरे पास लाना, मैं काफ़ी हूँ, सब मैं सही कर दूंगा, मेरे महिमा के खातिर तुम मुझे महिमा करोगे, मेरे साथ तुम भी महिमा पाओगे, तुम मुझे खुश करोगे, मेरे साथ तुम भी खुश हो जाओगे, मुझे तुम दुख दिलाओगे, सुखी से तुम रह नहीं पाओगे, तुम भी दुख होते घूमते रहोगे, तो क्या करेंगे। बिगड़ा हुआ बर्तन को देख करके रोना बंद करो, उड़ेंद पात्र मैया कालियान पात्र मैया, प्रभु मैं काले बर्तन हूँ, मैं टूटा बर्तन हूँ, ऐसा रोते हुए जिंदगी को बर्बाद न करना, प्रभु जी के पास लाना, तू काफ़ी है। इसको रिपेयरिंग करने के लिए दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, प्रभु जी मैं कर्जा में डूब गया हूँ,
आप क्या कहना चाहिए? यीशु, बोलिए यीशु। यीशु तू काफी, तू काफी है। यीशु, यीशु तू, तू मेरे लिए, मेरे लिए काफी, काफी है। बोलेंगे पढ़ाई में इतना फेलियर हो गया पास्टर जी, इतना अरियर्स बन गए, कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या जवाब है? यीशु काफी है। लोगों ने धोखा दिया पास्टर जी, मैंने भरोसा करके पैसा दिया था, लूट लिए हैं, वापस आने का इरादा नहीं है, कोई समस्या हल होगा करके पता नहीं चल रहे है, मैं क्या करूं? यीशु काफ़ी है। इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चल रहा था, यहोवा परमेश्वर उसका पीछे पीछे विश्वास करके जिंदगी भर जा रहा था। 75 वर्ष में निर्णय लेकर के अपने परिवार सब छोड़कर, बीवी को लेकर के अपना देश छोड़कर प्रभु के बातों को मानकर निकल पड़ा है। 25 साल हो गया है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी सेटल नहीं हो रहा था, बच्चा भी हो नहीं रहा था। तो 25 साल हो गया है, तो उसका गाना क्या था? तू ही काफी है, तू ही काफी है, जो भी हालत हो, जो भी जगह हो, जो भी समय हो, तू ही काफी है। प्रभु और भी मजाक भी उड़ा रहा था, उसका नाम बदल दिया। एक बच्चा भी नहीं है, अब्राहम था नाम, अब्राम, पहला नाम था अब्राम, उसका मतलब है एक कुटुंब का पिता है, बाद में बना दिया अब्राहम कर दिया, मतलब क्या है? जातियों का पिता है। सारा का नाम को भी बदल दिया, एक कुटुंब का माता नहीं है, जातियों का माता है। तो ये क्या प्रभु हमारे साथ मजाक उड़ाएंगे? यही विश्वास की कबूलियत होती है। तू काफी है, मुझे अब्राहम बनाने के लिए तू काफी है, सारा का सराही बनाने के लिए तू काफी है, मरे हुए गर्भ स्थान को जिंदा करने के लिए तू काफी है, मेरे जीवन में सामर्थ्य देने के लिए तू काफी है। जब धन्यवाद करते रहा, विश्वास बढ़ने लगा। यशायाह 61 में हम यही पढ़ रहे, 61 में पढ़ना बेटा, यशायाह 61 में क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर क्या दे रहे हैं हमें? ओढ़ना दे रहे हैं, स्तुति का ओढ़ना से हमको ओढ़ाना चाहते हैं। यशायाह 61:3 में पढ़ते हैं कि राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ाऊं। जिसका ओढ़ना ओढ़ा मतलब एक स्तुति का एक ओढ़ना खत उसका पहनाना चाहते हैं, जो उदासी है, चिंता है, उसको बदलना चाहते हैं। उसके द्वारा क्या होगा? उदासी का आत्मा दूर भाग जाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। बिल्कुल दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा है, लेकिन मैं तो स्तुति करता रहूँगा, उसको मैं खुश करता रहूँगा। परमेश्वर हमें ज़रूर खुश करेंगे। लिख रहे हैं उदासी का आत्मा ठहकर स्तुति का ओढ़ना, मैं उसको ओढ़ाऊँगा। देखो हमारा जो संकट है, भले बाहर नहीं है, बाहर की बात नहीं है, हृदय का अंदर में लोग दबाव को महसूस करते हैं। तीन बेडरूम घर में भी लोग, चार बेडरूम घर में भी लोग रह सकते हैं, लेकिन दिल एकदम दबा हुआ, एकदम सकरा में, एकदम संकट में दबे हुए जैसे लोग रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें आज़ादी देता है, हमें महिमा से भर देगा, उनकी आत्मा से भरेगा, तभी हम स्तुति कर पा रहे हैं। दुखों के बीच में गाना कैसे आ जाएगा? दुख का गीत आएगा। मैं जब दुनियादारी में था, दुख का काफ़ी सारा गीत मैं गाता था, फिल्म के लोग गाते थे, दुख का गीत भी आया जा करके, दुख नहीं था लेकिन दुख का गीत गाने में भी कुछ लोगों को मज़ा आता है। ऐसे ऐसे गीत बेवकूफ़ जैसे गाते थे, लेकिन अभी प्रभु में आ गए हैं, प्रभु हमको सिखाते हैं, दुख के समय में प्रभु में विश्वास दे करके आनंद से गीत गवाते हैं, ताकि हमारा दुख
भाग जाता है। हमारा किताब में कुछ दुखों का गीत था, मैंने उसको कटिंग कर दिया। दुख दुख गीत गाने के लिए नहीं है, हमको आनंद का गीत गाने के लिए प्रभु चाहते हैं। तो आनंद से प्रभु हमें भरेंगे, महिमा से भरेंगे, उनके उजाला से भरेंगे। जैसे सिस्टर जी ने बताएं, हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेंगे, जहां हम पहुंच नहीं पाएंगे प्रभु हमें पहुंचाएंगे। उनके महिमा के खातिर, उनके महिमा हमारे अंदर रहने के खातिर, क्योंकि उनके अंदर जो उनका महिमा हमारे अंदर है, हमेशा बढ़ने वाला चीज़ है, घटने वाला नहीं है। तेजस्वी रूप में अनशन करके आत्मा के द्वारा बदलना है, तेजस्वी रूप में अनशन करके बदलना है, हमें बदलना है, तेजस्वी रूप में बदलना है, बदलना है, हमें बदलना है, आत्मा के द्वारा बदलना है, तेजस्वी रूप में अनशन करके आत्मा के द्वारा बदलना है, तेजस्वी रूप में अनशन करके आत्मा के द्वारा बदलना है। दूसरे कोरिन्थी में लिख रहा है, कैसे हम महिमा के पर महिमा को हम पाते हैं, उसका एक ही आंसर है, यीशु काफी है। उसको देखते रहो, प्रेम का कमी है, यीशु काफी है, पवित्रता की कमी है, यीशु काफी है। हमारे अंदर रहने वाला यीशु को देखते 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 के जमान बनते रहेंगे। पास्टर जी, मेरे अंदर से गालियां आ जाते हैं, मुझे क्या करूं, ऐसा कभी कभी कुछ लोगों के मन में निराश हो जाते हैं। उसका क्या जवाब है? यीशु काफी है। आप जीना बंद करो, यीशु जीने दो, वो जिएगा, कभी गालियां नहीं बकाएंगे, हमेशा आशीष देते रहेंगे। तो कौन जीना चाहिए? मैं नहीं प्रभु, तू काफी है, तू चाहिए है, तू ही मेरा सहारा है। जी हाँ, आप काफी है। यही वचन के साथ आप पूरा 2020 में हर समस्या को पार कर पाओगे। घर में स्लोगन लिख दीजिए, जी हाँ तू काफी है। स्लोगन लिख के रखो, उसको बताते रहो, प्रभु खुश होते रहेंगे, आप भी खुशी से आगे बढ़ते चले जाओगे। सो खुश रहने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंप्यूटर में शॉर्टकट की ढूंढते ना, शॉर्टकट शॉर्टकट जल्दी से पहुंचाने के लिए। तो खुश होने के लिए क्या शॉर्टकट है? उसको खुश करो। उसको खुश करने के लिए आइडिया क्या है? आप काफी है प्रभु, आप काफी है, आप मुझे बहुत ही काफी है, बहुत है प्रभु, आप मिल गए तो और तो आ ही जाएगा, नहीं आया तो क्या, आ ही जाएगा, आप मुझे मिल गए, आप मेरे लिए काफी है। नन्मयम कृपयम என்ன புது வருடம் காண செய்திரே, புது கிருபை எனக்கு தந்திரே, நன்மை கிருபை என்னை தொடரும் வாழ்நாள் முழுவதும், நன்மை கிருபை என்னை தொடரும் வாழ்நாள் முழுவதும். कल्या गाना आया था, तमिल में लिख दिया, मैं हिंदी में कर नहीं पाया। नया साल आपने मुझे दिया है, आपने मेरे को अनुग्रह दे दिया है, तेरी भलाई और कृपा जिंदगी भर मिलता रहेगा। 2020 भी, 2021 भी, 2022 भी, यीशु मसीह का आगमन तक, जिंदगी का आखिरी तक, हाँ, प्लस 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 ही रहेगा, कभी घटेंगे नहीं,
मेरे भाई बहन बच्चों लोग, प्लस 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 कभी माइनस नहीं होगी, प्लस प्लस आके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोग्रेसिव में चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आगे इतने बच्चा। अब्राहम अभी देखेगा स्वर्ग से, अरे इतना बच्चा आ गए मेरे लिए, आज सूरत में भी मेरा कोई बच्चे लोग है मेरा जैसे विश्वास कर रहे हैं, आंख बंद करके पूरा पृथ्वी में प्रभु उसको बच्चे लोग दे दिए हैं, उसके एक दिन विश्वास किए परमेश्वर उसकी जातियों को पिता बना ही दिया, बड़े थोड़ा देर हुआ है। अभी भी बोल रहे हैं जो भी आदमी स्वर्ग में जा रहे हैं पहले गेट पर इब्राहिम को मिलके जाना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं जो लोग स्वर्ग जाके आए हैं, क्योंकि वो विश्वास के लिए हमारा रास्ता दिखाया प्रभु जी ने, वो हमारे लिए एक विश्वास के नमूना बनाए हैं, वो विश्वास के ग्रह हमारे लिए बता रहे हैं, बिल्कुल नामुमकिन होने से भी हमें विश्वास करना है, विश्वास में मजबूत हमें रहना है। और ये अभी हम प्रार्थना करेंगे, सब अब खड़े हो जाएंगे, प्रभु से ये दो शब्द हम जरूर कहेंगे, जी हाँ प्रभु आप मेरे लिए काफ़ी है, आपसे मेरा समस्या दूर हो जाएगा, तेरे द्वारा मैं सेना को भी मैं सामना कर पाऊंगा, तेरे द्वारा दीवार को भी मैं लांघ दूंगा, तेरे द्वारा हर युद्ध में मैं जय हासिल करूंगा, तू हमारे लिए कप्तान है परमेश्वर, आप हमारे लिए सारे आशीष से आशीष कर दिया है, हर भलाई से भर दिया है, शैतान हरा हुआ है, हम लोग जीते हुए हैं, जय का झंडा लहराएंगे, स्तुति का गीत गाएंगे, हर दम आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे एल शड्डाई वो है सर्वशक्तिमान, कुछ भी नहीं असंभव और समय और हर जगह, प्रभु हमारे एल शड्डाई वो है सर्वशक्तिमान, कुछ भी नहीं असंभव और समय और हर जगह, जीतेंगे हमेशा हम स्तुति के गीत गाएंगे, जय का झंडा लहराए हर दम आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे हमेशा हम स्तुति के गीत गाएंगे, जय का झंडा लहराए हर दम आगे बढ़ेंगे, शत्रु जो है सामने आज देखोगे न फिर कभी, उद्धार प्रभु का देखोगे कड़े कड़े, शत्रु जो है सामने आज देखोगे न फिर कभी, उद्धार प्रभु का देखोगे कड़े कड़े, युद्ध होबा करेगा लाल समुंदर खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा शत्रु को डुबाएगा, युद्ध होबा करेगा लाल समुंदर खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा शत्रु को डुबाएगा, जो हमारे हथियार वो नहीं संसार के, गढ़ों को गिराने प्रभु के ताकत है उनमें, जो हमारे हथियार वो नहीं संसार के, गढ़ों को गिराने प्रभु के ताकत है उनमें, गढ़ों को गिराएंगे शत्रु को भगाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे स्वर्ग राज्य भरेंगे, गढ़ों को गिराएंगे शत्रु को भगाएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे स्वर्ग राज्य भरेंगे, शत्रु सोगे सामने आज देखोगे न फिर कभी, उद्धार प्रभु का देखोगे कड़े कड़े, शत्रु जो है सामने आज देखोगे न फिर कभी, उद्धार प्रभु का देखोगे कड़े कड़े, युद्ध होवा करेगा लाल समुंदर खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा शत्रु को डुबाएगा, युद्ध होवा करेगा लाल समुंदर खोलेगा, तुमको बाहर लाएगा शत्रु को डुबाएगा। हालेलुया, धन्यवाद करते रहेंगे, स्तुति का ओढ़ना से उदासी का आत्मा दूर हो जाएगा, स्तुति के ओढ़ना ओढ़ने से स्तुति के ओढ़ने से भर जाएंगे तो उदास और चिंता दुख निराश दूर हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते रहें स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें भर दिया है, आप हमें छुड़ा लिया है,
आप हमें नियुक्त किया है ताकि हम आपके लिए फल लाएं, ताकि हमारा फल कायम रहें और आपके लिए महिमा लेकर आएं। पूरा 2020 पूरा हर दिन के लिए आपके बातों का मानेंगे, आप हमारे लिए काफ़ी है इस बातों का हम कबूल करेंगे। आपके अंदर हम मगन होते रहेंगे, आपको हम खुश करते रहेंगे, ज़रूर हम लोग भी आनंद से भरते रहेंगे। निराशा और चिंता को हम उठा के फेंक देते यीशु के नाम से। शारीरिक जो चिंता है, दुनियादारी का सांसारिक दुखों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दे रहे हैं। आपका विश्वास की आत्मा से, स्तुति की आत्मा से हम पहन लेते हैं, उसमें से आगे बढ़ते हैं। एक एक भाई बहन बच्चों को आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ। लोग हमेशा विश्वास में मजबूत रहें, चिंता में डूबे हुए न रहें, हिम्मत बांध कर आगे बढ़ें। ऐसा करने वाले मैं धन्यवाद देता हूँ। ज़रूर आपकी महिमा प्रकट होगी, हम लोग महिमा के ऊपर महिमा पाएंगे। ज़रूर आपकी महिमा कलीसिया के द्वारा दुनिया में भी दिखने लगेगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथों में हर बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता। आमेन। नम्र पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा। आमेन।